इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पिथागोरस थ्योरम। ये क्या है, ये पिथागोरस थ्योरम का रिवर्स है। ये कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, हु विल रीड द क्वेश्चन इस बार, परवेज प्लीज रीड द क्वेश्चन। Determine if each of the following triangles is a right-angled triangle. For each right-angled triangle, state the right angle. Given that AB is equal to 16 centimeter, BC is equal to 50 centimeter, and AC is equal to 65 centimeter. थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये देखें इसने ट्राइंगल बनाई हुई है। अब हमें नहीं पता ये ट्राइंगल कौन सी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो इसकी साइड्स भी गिवन है, ए बी इसकी 16 है, तो तीन साइड्स गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों साइडें राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बट बिफोर अप्लाइंग पिथागोरस थ्योरम वी शुड नो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये 16 है, ये 63 है और ये 65 है। तो ऑब्वियसली अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो 65 इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम 65 का स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और जो दोनों जो द रेस्ट ऑफ द टू उनका स्क्वायर का सम लेंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों को इक्वल, इन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तो फिर क्या होगा, ये जो साइड्स हैं ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलें इसको करते हैं। 65 का जो स्क्वायर होता है वो 4225 है। ठीक है, और इसी इन द सेम वे 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर करते हैं, ये भी 4225 आता है। तो 4225, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आती है। तो इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा आपने साथ ये भी बताना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 एंगल किस कॉर्नर पे बनेगा। फॉर ईच ऑफ द राइट एंगल, ईच ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट स्टेट द राइट एंगल, कि राइट एंगल कहाँ बन रहा होगा, ये कहाँ बन रहा होगा। अब देखो इसको, इसमें ना ये साइड जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, विच इज ए सी। तो ए सी इज द, बेटा प्लीज आप देखें, ये ए सी इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, तो इट मीन्स दैट 90 का जो एंगल होगा वो बी के ऊपर बन रहा होगा। जो 90 का एंगल होगा वो बी पे बन रहा होगा। ठीक हो गया, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड के जो ऑपोजिट एंगल होता है वो सबसे वो राइट एंगल होता है। तो इसका जो राइट एंगल है वो, इसका जो है राइट एंगल वो एंगल बी है, एंगल बी इज द राइट एंगल। ठीक है, वो इसका 90 डिग्री एंगल। ठीक, तो वी डिड दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट कर लो अपने पास, अब हम सेकंड करेंगे। ठीक है, इसमें हमने प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन, दिस इज एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी हैव स्टार्टेड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन विच वी थ्री साइड्स आर गिवन
एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो तीन साइड्स हैं, ये तीन साइड जो गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है. ये क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ कि ये तीनों साइडें राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है. हमने प्रूफ करना है. तो हमने प्रूफ, तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड इन तीनों में से बड़ी है. तो एसी जो है वो बड़ी साइड है. एसी 65 इज द लॉन्गेस्ट साइड. हमने इसका स्क्वायर ले लेना है और जो दोनों बाकी दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम लेना है, क्योंकि पाइथागोरस में हम ऐसे ही करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम के. तो अगर देखें, हमने दोनों का सम लिया, 65 का स्क्वायर बन गया 4225, और जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम भी यही आ रहा है. तो दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं. इट मींस दैट ये जो साइड्स हैं ए बी, बी सी और ए सी, ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. अब हमने चेक करना है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल किस कॉर्नर के ऊपर बना हुआ. तो पहले हम लॉन्गेस्ट साइड ड्रॉ करेंगे जो कि एसी है. तो मैंने एसी ड्रॉ किया, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका नाम एसी है. तो एसी लॉन्गेस्ट साइड है, तो ऑब्वियसली जो बी होएगा वो इसके ऑपोजिट होगा. तो बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनेगा. तो हमने बताया कि 90 डिग्री एंगल जो है वो बी के ऊपर बनेगा. आई होप यू नोट इट डाउन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट. इन द ट्राइंगल पी क्यू 19 है, क्यू आर 24 है और पी आर 30 है. तो आपने बताना है, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनती इससे. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज हम चेक करेंगे कौन सी साइड लॉन्गेस्ट है. ये 19 है, ये 24 है, ये 30 है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है. तो इसका स्क्वायर ले लेंगे पहले, और जो दो रह गई हैं उनका उनका स्क्वायर का सम करेंगे. 19 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. ठीक है जी, इन दोनों को इक्वल आना चाहिए. अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. तो चलें इसको करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ से. तो लेट मी यूज कैलकुलेटर. 30 का स्क्वायर जो होता है वो आएगा 900. ठीक है, और जो ये दो साइड्स हैं इनका स्क्वायर क्या आएगा? 19 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आएगा 937. 937 और ये आएगा 900. ठीक है, तो ये दोनों का इसलिए हमने लॉन्गेस्ट साइड को उसी को तो हाइपोटेन्यूस लेंगे ना. सो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, सो ट्राइंगल पी क्यू आर, सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रूफ हो गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो अब हमें वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट के 90 डिग्री एंगल कहां पर है. ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है तो फिर इसका 90 डिग्री एंगल फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है. तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर टू था. ठीक, चलो ये भी नोट कर लें अपने पास. ये वाला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर थ्री. ठीक है, ये वाला करना है हमने. ठीक है, तो इन ए ट्राइंगल, दिस इज ए ट्राइंगल, एस टी यू
एस टी जो है हमारे पास 7/12 है, टी यू जो है वो 5/6 है, और एस यू 1/3 है। तो प्रूफ करना है इज दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें इशू क्या है, इसमें जो साइड्स है वो फ्रैक्शंस है, और फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें आइडेंटिफाई करना कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी साइड है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, मैं इसको दोबारा लिखता हूं यहां से। एक मेथड तो ये है कि इन तीनों साइड्स को आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दे, उससे आइडिया हो जाएगा कौन सी बड़ी साइड है। ठीक है, एक तो ये है कि आप दो क्या करो, तीनों को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो फिर डेसिमल से आइडिया हो जाता है कि कौन सी साइड बड़ी है। ठीक, एक तो वो है, दूसरा ये होता है कि आप इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कंसेप्ट से करूंगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। ठीक है, आप देखो इन तीनों का एलसीएम जो है वो 12 है। ठीक है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो 12 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका जो डिनोमिनेटर है मैं उसको 12 बनाऊंगा। ये तो ऑलरेडी ठीक है, इट्स ओके। इसको जो 12 बनाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 10/12। ठीक है, और इसको भी करने के लिए इसको मैं 4 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 4/12। ठीक हो गया, नाउ आई कैन नो दैट, आई कैन टेल दैट के विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड फिर कौन सी है, वो टी यू है। ठीक हो गया, तो इसको मैं क्या करूंगा, इस टी यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पहले ले लूंगा, आपकी मर्जी है, आप इसमें आप 10/12 ले लो या 5/6 ले लो, कोई डज नॉट मैटर। ठीक, तो मैं इसकी जो एक्चुअल साइड है वो मैं वो ले लेता हूं, क्योंकि इसके नंबर छोटे हैं, तो 5/12 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी साइड है, तो जो सबसे बड़ी साइड है ये इसका हाई पॉटनियस होएगा। ठीक है, ये इसका हाई पॉटनियस होएगा, तो इसको इधर लिख लेता हूं, और जो दो बाकी साइड्स हैं उनका सम का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर का सम करता हूं, 7/12 का स्क्वायर प्लस, और 4, ये वाली साइड कौन सी थी, ये थी 1/3 ओरिजिनल जो है इसका स्क्वायर। आप चेक करते हैं ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, ये हो जाएगा 25/36। ठीक है, ये होएगा 49/144 और प्लस ये होएगा 1/9। अब दोबारा इश्यू आ गया कि इनका ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, अब दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इट इज बेहतर ये था कि हम ना ये वाली फ्रैक्शंस यूज कर लेते, तो फिर हमें ये इश्यू ना आता, ये वाली कर लेते ना तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां कर लेता हूं, देखिए यहां पर तो क्या होएगा, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो 10/12 का स्क्वायर, और जो बाकी दो हैं उनको यहां लिखूंगा, 7/12 का स्क्वायर प्लस 4/12 का स्क्वायर। नो यू अंडरस्टैंड वाई आई हैव यूज दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, वाई आई एम नॉट यूजिंग द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अगर मैं ओरिजिनल यूज करता हूं तो मुझे आगे जाके फिर दोबारा एलसीएम लेना पड़ता है, तो क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको यूज करके मैं चेक करता हूं। तो देखें इसका अभी ये मेरे पास आई डोंट हैव द स्पेस हेयर, तो मैं यूं करता हूं इसके थोड़ा सा ये यहां पर ना यहां पर कर देता हूं। ठीक है, तो 10/12 कितना होता है, 100/124, और ये 7/12 कितना होता है, 49/124 प्लस 144। ये कैसे जाएगा,
अच्छा 144, चलो इसके ऊपर ही कर देता हूँ, 144 जी, 144 ठीक है, ये 144 है ठीक है, और प्लस प्लस 4/12, 4/12 कितना होता है 16/144 ठीक है। आप 49 + 16 कितना होता है, तो 49 59 69 68 होता है, ये बन जाएगा 68/144 और ये है 100/144। तो देखिए दोनों दोनों इक्वल नहीं आए ना, दोनों इक्वल नहीं आए, तो इट मीन्स दैट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एस टी यू इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो चले ये भी नोट कर लें और उसके बाद हम चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। Okay, so girls, we are going to discuss this question. ये वाला क्वेश्चन लगे करने हमने ठीक है। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। द स्टेटमेंट इज सेइंग डिटरमिन इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। पहले हमने बताना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, फिर बताना है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ इज इट सो, देन शो के कौन सा कॉर्नर जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल कहां बनता है ये बताना ठीक है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 7.5, 7.1 एंड 2.4, तो सबसे बड़ी साइड ये वाली है। तो ये फिर ये क्या होएगा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ये इसको हाइपोटेन्यूज बनना चाहिए ठीक है। तो चलो करते हैं 7.5 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग दो हैं उनका स्क्वायर का सम करना है ठीक हो गया, 2.4 का स्क्वायर करना ठीक है। अब चेक करो कि इसका जो आंसर है वो क्या आता है ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो 7.5 का स्क्वायर कितना होता है, 56.25 ठीक है, ये आपने नोट रखना ठीक है। इनका सम देख लेते हैं, 7.1 का स्क्वायर प्लस 2.4, ये भी 56.17, 56.17, तो सॉरी ये आ रहा है 56.25, वो आता है 56.17, तो इक्वल नहीं आ रहा ठीक है, दोनों का इक्वल नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है 56.25 व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया इसमें, ओहो व्हाट इज दिस जी, इस साइड पे आंसर जो आ रहा है 56.25 आ रहा है और जो इधर आ रहा है वो 56.17 आ रहा है। सो बोथ आर नॉट इक्वल, तो इट मीन्स दैट ये जो ट्राइंगल है जी एच आई, ट्राइंगल जी एच आई, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है, आर आई जी एच टी, राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस इज नॉट राइट एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड गर्ल्स कि हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं ठीक है। तो चलें आज फिर ये हमारा एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई।